20 मई को रिलीज हुई एक्ट्रेस कंगना रनौत की धाकड़ का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा हाल है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ की लागत में बनी यह मूवी 8 दिन में सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। इतना ही नहीं, रिलीज के 8वें दिन तक भारत में केवल 20 टिकट ही बिके हैं, जिसमें धाकड़ की कमाई सिर्फ 4,420 रुपए ही हुई है। वहीं यह मूवी धाकड़ कंगना के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मूवी अपने ओपनिंग डे पर ही फ्लॉप हो चुकी थी। इस फिल्म को इंडिया में 2200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, लेकिन अब यह मूवी केवल 25 सिनेमा घरों में ही चल रही है। पहले वीक के मुकाबले इसे दूसरे वीक में लगभग 99% सिनेमा घरों से निकाल दिया गया था। जहां दिल्ली जैसे बड़े शहर में केवल 4 सिनेमा घरों में यह मूवी चल रही है, लेकिन मुंबई में एक भी ऐसा सिनेमा घर नहीं है जहां यह मूवी चल रही हो, क्योंकि मुंबई में भी पहले हफ्ते के बाद इस फिल्म को सभी थिएटर से हटा दिया गया था। वहीं ऑनलाइन बुकिंग ऐप बुक माई शो में भी यह मूवी नो वॉच ऑप्शन के साथ दिखाई दे रही है। इसका मतलब मूवी देखने वालों के लिए कोई शो उपलब्ध नहीं है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने का सीधा असर फिल्म के ओटीटी डील्स पर पड़ा है, जहां फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद इसके ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स भी नहीं बिक रहे हैं। फिल्म के इस खराब स्थिति को देखते हुए धाकड़ के कई शो कैंसिल कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मेकर्स ने फिल्म के राइट्स फिल्म की रिलीज से पहले यह सोचकर नहीं बेचे थे कि उन्हें कोई न कोई बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म की डील्स मिल ही जाएगी। यही कारण रहा कि फिल्म के शुरुआत में भी ओटीटी और सैटेलाइट्स डील के बारे में मेकर्स ने कोई जानकारी नहीं दी थी, जिसका खामियाजा आज हर टीम मेंबर को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें कंगना रनौत के अलावा अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता और शाश्वत चटर्जी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। क्या आपको इस मूवी के बारे में पता था? क्या आपको कंगना की मूवी देखना पसंद है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लगा कि इस वीडियो में था दम, तो करिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बात खत्म, टेक केयर, थैंक यू।